नकिया भाई वा जाती धारा माँ लालटेन छाप पर दबाई हा बाटा नवा मतलब हर काले जाहिया से आई लाई इलेक्शन नवा के हाथ गेलौ खिया आय हो भैया कि कहिया एते लालू चाचा के पारिया बाद होय दबाई हो भैया कि हो भैया अब की बारिया नहीं तो हम हाँ, सरवन भैया नहीं तो जीतिन आवा नहीं तो सह अरे साथ एक महात्मा जी है इनसे बात करते क्या नाम हुआ सर जी मुन्नी भगत मुन्नी भगत जी आप सुनते गाना गुना गाते तेजस्वी जी के बारे में श्रवण गुजार थोड़ा सुनाइएगा थोड़ा जी गाए थे गाना गाए थे हम हाँ की बारा तो बीतलाय बाराती थिया बिहार में आवा हो कि हो भैया कि सब दिन खाइल काओ भाटा भिखारिया भिखा मांगवा झोला टांगवा बिहार में घूर घूर हो भैया हो कि हो भैया बिना जीताले तो ते जैस भी भाई तो पांचो लाग बेरोजगारवा नहीं नाव जावा नावाग बिहार में दिलथिन रोजगार हो भैया हो कि हो भैया अब की बारिया उठल हाओ बिहार में नहीं तो यहाबा सरवन कुशवाहा के उठल हाउ नेवादा जिला लहरिया आबा हो भैया कि हो भैया बिहार के हमार भाई बन हो कि अब की बारिया नहीं कहीं मनवा उनमुन दू नामुन हो भैया हो तो देखिए हम लोग लालटेन में क्यों है और क्यों हम लोग वोट देना चाहते हैं कि हम बचपन में जो थे तो हम देखते थे कि बड़ा बड़ा जमींदार और जमींदार आता था ठीक जमींदार और ईमानदार जब आता था तो हम लोग के दादा बाबा जो थे ने तो कुर्सी पर खटिया में बैठल रहते थे उठ जाते थे और उसको पांच बरस साफ करते थे पहले कुर्सी को तो उसको बैठाया जाता देखते थे बड़ा छुट में पहनले है तब बताइए आप जब लालू चाचा जो हमारे बिहार में जो आए हैं तो ऊँची भूल गए सब कोई हम लोग अब बराबरी में बैठते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो लालू चाचा आया तो हम लोग जो गोल पोछने के लिए जो खत्म होगा थी हो गए बना हो गया तो अब जो तेजस्वी भैया आएगा तो हम लोग बाल बच्चा के आगे चल के भविष्य कुछ न कुछ बढ़ेगा मतलब अगर गाना है तेजस्वी यादव रहेंगे तो हमारे बाल बच्चा का भविष्य उज्जवल होगा जी पक्का। नवादा में किनको संसद देखना चाहते हैं जी हमको सरवण कुशवाहा जी है उन्हीं को देखना चाहते हैं सरवण कुशवाहा जी को देखना चाहते हैं तेजस्वी जी को देखने के लिए इतना धूप कड़ी धूप में आए क्या कहना चाहते हैं सरवण कुशवाहा के लिए जी हम यही कहना चाहते हैं कि जितना हमारे बिहार वाला भाई लोग है सब कोई बहुत अच्छा तरीका से हमारे सरवण कुशवाहा जी को जितावे और अपने बिहार को नवादा जिला को पूरा उत्तम बनावे जी जैसे अभी बाहर है कि हम तेजस्वी जी को वोट देकर जिताने चाह रहे हैं यहाँ से सरवण कुशवाहा को जिताने क्या लग रहा है जैसे बाहरी बहुत दिग्गज प्रजाति आए हैं विवेक ठाकुर है गुंजन सिंह है विनोद यादव क्यों देखने हमको जाति या पार्टी नहीं चाहिए हमको पार्टी चाहिए आपको जाति पार्टी नहीं चाहिए ना हमको पार्टी चाहिए जी ऐसा क्यों कहते हैं साधु महात्मा जितने हैं सब बीजेपी को चाहते हैं जी आप आरजेडी को क्यों हम आरजेडी के बचपन से भक्त हैं और अभी तक हम भक्त उसी को हैं और गाना सुना के थोड़ा हमारे दर्शकों को मन मोह लीजिए जी काले जाहिया से आई लाई इलेक्शन नवा के हाथ गेलौ खिया आय हो भैया कि कहिया एते लालू चाचा के पारिया बाद होय दबाई हो भैया कि हो भैया अब की बारिया नहीं तो हम हाँ, सरवन भैया नहीं तो जीतिन आवा नहीं तो सह क्या नाम है बाबू नाम क्या हुआ आपका चिंटू यादव यार यहाँ तेजस्वी जी आ रहे क्या गाना चाहेंगे फिर से बिहार में ललटेन में देवा उभार फिर से बिहार में ललटेन में देवा उभार अगे लालू यादव डरलाऊ ना तेजस्वी ना डरता उगे अबरिया आरजेडी पार्टी अकेले लड़ता उगे आप बोले आरजेडी पार्टी अकेले लड़ते तो गठबंधन के साथ महागठबंधन कांग्रेस माले आपका वीआईपी सब तो इसी के साथ है तेजस्वी यादव कितना भी पाछे देख रहे हैं हाँ आए
तेजस्वी यादव कितना विपक्ष है देख रहे हैं। क्या कहा देखता है आपके यहाँ तेजस्वी जी आज आ रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ तेजस्वी जी को वोट देंगे कि देखना पूरा नवादा जिला, पूरा नवादा जिला से उठा लैला हरिया सारा वन कुसावा भागे है बरिया। श्रवण कुशवाहा जी के बारे अब जादव है, जादव श्रवण कुशवाहा के साथ है। हाँ तो बोलता है जादव जादव के साथ नहीं है देखिया भाई वा जाति धर्मा लालटेन छाप पर दवाई हा बाटा नवा, मतलब हर चीज को अब गाने के माध्यम से बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं पब्लिक को, नवादा की जनता को? नवादा के जनता को हम यही निवेदन कर कहते हैं कि आरजेडी को वोट दीजिए, वोट दीजिए। हाँ लग रहा आरजेडी भारी भारी मतों से बस भारी जनता आ रहे तो भारी जीत के जा रहे थे, अपना घर का बेटा जिताएंगे, जिताइएगा। हाँ जिताइएगा। क्या लग रहा है इस बार घर का बेटा, घर का नेता जो लक्ष्य लेके निकले आप नौजवान है, आप एक कहता की शिक्षित और सही ढंग से, क्या लग रहा है इस बार नवादा में क्या होगा? कुशवाहा जी ऐसा क्या कारण है कि लालटेन को वोट? हमारा गांव का बेटा है, घर का बेटा है, इसलिए बाहर का आधा जीत के जा रहा था, कुछ नहीं किया, मतलब बाहरी को इस बार एकदम नहीं देख रहे एकदम।